Hi everyone, let's read the question. The question is, the value of k for which the system of a linear equation is consistent. Inconsistent, मतलब inconsistent का मतलब है, inconsistent का मतलब होता है no solution. तो सबसे पहले जो हमें दो equation given है, उसको general form में convert करो. First, general form आपको पता है क्या होता है? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो general form में convert करते हैं. Equation 1 है x plus 2y, 3 को इस साइड लेते हैं, minus 3 is equal to 0. हमें is equal to 0 करना है. Second equation है 5x plus ky plus 7 is equal to 0. Compare करो. Compare करोगे तो यहाँ पर a1 की value 1 है, a2 की value है 5, B1 है 2, B2 है k, C1 है minus 3 and C2 is 7. और inconsistent का मतलब क्या होता है? आपको मैं बता देता हूँ. Inconsistent का मतलब होता है no solution. कोई भी solution नहीं है. कोई भी solution नहीं होगा. इसका मतलब क्या कंडीशन होती है? अगर पेयर इनकंसिस्टेंट होता है तो क्या कंडीशन होती है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to not c1 by c2. ठीक है, तो a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है 2, b2 है k is equal to not c1 है -3 एंड ये है 7. तो इसमें पूछा है k की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगा. तो फर्स्ट टू इक्वेशन लेते हैं, ये हो जाएगा k is equal to 10 एंड सेकंड टू इक्वेशन लेते हैं, ये है k is equal to -14/3. ये नहीं हो सकता है ना, k इसकी k -14/3 नहीं हो सकता और इसके अलावा k 10 हो सकता है. तो आंसर क्या है? 10. किस k की किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट होगा? तो आंसर है 10, डी ऑप्शन है. होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.